नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एक RTA का रिप्लाई दिया गया है, जवाब दिया गया है, उसको लेकर कि भाई इस RTA में पूछा क्या गया था और कर्मचारी चयन आयोग ने क्या इसमें जवाब दिया है। हरियाणा के सभी युवाओं के लिए ये RTA का जवाब देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो भाई पहली बार चैनल पर आए, इसी प्रकार की रेगुलर और लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं न्यू वैकेंसीज को लेकर, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और दोस्तों कोर्ट केस से संबंधित जो हरियाणा की विभिन्न भर्तियों पे होते रहते हैं, दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बीते गत वर्ष में यानी कि जो 2019 का साल था, बहुत सारी वैकेंसियाज आपके HSSC के अंदर आई, फिर उनको रीओपन भी किया गया। ठीक है, कुछ एक अभी हो रही हैं, कुछ एक हो चुकी हैं और कुछ एक एग्ज़ाम भी रीओपन के बाद जारी हो चुके हैं। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंदर एक RTA लगा कर एक युवा ने यही पूछा, किसी पर्टिकुलर पोस्ट का नाम बताया, कैटेगरी का नाम बताया और पूछा कि आप ये बताइए कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए HSSC के अंदर कितने पेड फॉर्म अवेलेबल हुए हैं या कितने पेड फॉर्म उनको मिले हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई ओके विद फीस पेमेंट के साथ HSSC को इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितने फार्म आवेदन मिले हैं। तो ये सब मेरे को लगा आम बात है, लेकिन जब मैंने इस रिप्लाई को पढ़ा तो मैं भी चौंक चुका था और एक तरीके से हैरान था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है आज के इस युग में, इस बेरोजगारी भरे युग में किसी पोस्ट के लिए, किसी पद के लिए इतने कम आवेदन कैसे हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको RTA का रिप्लाई दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, मैं किसी कारणवश या फिर कहते हैं कि भाई आपको एड्रेस नहीं बता सकता कि किस साथी ने, किस विद्यार्थी ने या किस युवा ने इस RTA HSSC के अंदर लगाई थी, लेकिन जो रिप्लाई आया वो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन उसका मैं आपको एड्रेस नहीं दिखा सकता या बता सकता। तो सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर RTA एक्ट 2005, रेफरेंस योर एप्लीकेशन डेटेड, दोस्तों 30/9/2019 को यहाँ पर RTA कैंडिडेट के द्वारा लगाई गई थी और 4/10/2019 को जो है HSSC को ये एप्लीकेशन रिसीव हो गई थी उनके ऑफिस में। उसके बाद इसमें बोला गया कि भाई टोटल 603 यानी कि 603 पेड एप्लीकेशन मिले हैं HSSC को अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019 कैट नंबर 7 फॉर द पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर के पद के लिए HSSC को जो एक तरीके से वैध एप्लीकेशन फॉर्म है वो 603 प्राप्त हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019 कैटेगरी नंबर 7। उसके बाद दोस्तों आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019 और कैटेगरी नंबर 18, ठीक है, फॉर दी पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर, जिसका एग्ज़ाम आपका कल हुआ है। स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास 635 वैध एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हुए हैं, पेड एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हुए हैं, जिन जो फार्म पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक है। देखिए दोस्तों, बच्चे करते क्या हैं, आवेदन भर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, वो फॉर्म भरने के बाद फीस पेमेंट नहीं कराते हैं, जिस वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। तो बिल्कुल ओके जो फॉर्म थे, स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए 635 मिले और आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर के लिए 603 फार्म यहाँ पर HSSC को मिले। तो एक बहुत बड़ा, एक तरीके से आज के समय को देखते हुए एक फेरबदल आप इसे कह सकते हैं कि भी इतनी बेरोजगारी के युग में इतने कम आवेदन मिले। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि भी आज के समय में भी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इतने कम आवेदन क्या प्राप्त हो सकते हैं या नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।